आशीष बहेती भी हैं हमारे साथ। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आपका स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनंत जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। सर। थैंक यू अनंत जी, एंड आपको भी और सारे दर्शकों को भी गणेश चतुर्थी की बधाइयां। अनंत जी, मेरा आज का टॉपिक रहेगा बजाज ऑटो। ये फ्राइडे को काफी चल चुका है, 6% का एक क्लियर मूव था और प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत स्ट्रांग थे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एटलीस्ट 5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम थे इंट्राडे में, और डिलीवरी वॉल्यूम भी एटलीस्ट 3x के करीब थी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा। 15% का ओआई बिल्डअप भी था, और जिस हिसाब से 5,000 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसे सरपास कंफर्टेबली करता हुआ देखने मिला, तो यही एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 5,000 का ही स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी डिप आती है तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें 5,300 का फर्स्ट टारगेट जल्दी देखने मिल सकता है। फ्राइडे का स्टॉक इन फोकस था, निफ्टी का टॉप गेनर था। क्या मूव बन रहा था बजाज ऑटो में। यह है बैती साहब, दिन के हाईस पे बंद हुआ था। बैती साहब का आज फिर मंडे का प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।